गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को हिंदी रीडर में पार्ट 7 पढ़ाया था, जो था हमारा बुद्धिमान चूजे, है ना। जिस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली थी कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए थी, है ना। हमने पढ़ा था कि मुर्गी को बाहर जाना था सामान लेने, सब्जियां लेने, तो मुर्गी बच्चों को इन चूज़ों को बता कर गई थी कि आप लोग गेट मत खोलना, क्योंकि बाहर एक काली बिल्ली है जो कि तुम लोगों को खा सकती है। तो माँ जब समझा कर गई थी, यानी कि ये मुर्गी जब समझा के गई थी, तो चूज़ों ने अपनी माँ की बात को समझ लिया था। और जब काली बिल्ली आई थी, तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था। इस तरह इन चूज़ों की जान बच गई थी, है ना। तो ये चैप्टर तो हम लोग रीड कर चुके थे अच्छी तरह। काली बिल्ली को भगा दिया था इन चूज़ों ने, किसका डर देके, कुत्तों का डर देके, कि कुत्ता आने वाला है अभी, है ना। ये सुनकर काली बिल्ली भाग गई थी वहाँ से। तो इस तरह अपने से बड़ों की बात मानकर, यानी कि अपनी माँ की बात मानकर, इन चूज़ों ने अपनी ज़िंदगी बचा ली थी, ठीक है। अब देखो, इस वीडियो में मैं आपको शब्दार्थ और एक्सरसाइज बता देती हूँ, जो आप लोगों को एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग यानी कि शब्दार्थ करने आप अपने नोटबुक में, ठीक है। जैसे देखो, बुद्धिमान, बुद्धिमान का मतलब क्या होता है, समझदार, ठीक है। बुद्धिमान मतलब समझदार। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, बुद्धिमान चूज़े, यानी कि वो चूज़े समझदार थे, ठीक है। सेकेंड है खतरनाक। खतरनाक क्या होता है, जिससे कि हमें खतरा होता है उसे हम खतरनाक कहते हैं, ठीक है। मामा मतलब माँ का भाई, तो चूज़े मामा किसको कह रहे थे, चूज़े मामा कह रहे थे कुत्ते को, है ना। तो मामा मतलब माँ का भाई। और चूज़े किसको कहते हैं, हम चूज़े होते हैं मुर्गी के छोटे बच्चे, ठीक है। जो मुर्गी के छोटे बच्चे होते हैं उनको हम चूज़े कहते हैं। फिर है मौसी। मौसी कौन होती है, माँ की बहन। जो हमारी मम्मी होती है उनकी बहन को हम मौसी कहते हैं, और जो हमारी मम्मी होती है उनके भाई को हम लोग मामा कहते हैं, ठीक है। फिर देखो, थर थर कांपना मतलब बहुत डर जाना, जैसे कि ये बिल्ली डर गई थी, ठीक है। थर थर कांपना मतलब बहुत डर जाना। तो ये शब्दार्थ सबसे पहले आप अपने नोटबुक में करेंगे और इसे लर्न भी करेंगे। साथ ही साथ आपको और क्या करना है, देखिए आपको यहाँ ये जो रिटन लिखा है ना, लिखित, यहाँ से आपको अपना वर्क करना है अपने नोटबुक में, ठीक है। क्या क्या वर्क है, देखिए। पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प पर सही का चिन्ह का निशान लगाकर करिए। तो फर्स्ट आपसे इसमें देखो क्या पूछा है, बाहर डैश बिल्ली घूमती थी, तो कैसी बिल्ली घूमती थी, लाल काली या भूरी। तो हमने पढ़ा था कि बाहर काली बिल्ली घूमती थी, तो हमने काली को टिक कर दिया, सही का निशान हमने काली पर लगा दिया है। सेकेंड आपसे पूछा है, डैश को सब्जी लेने बाजार जाना था, किसको जाना था, चिड़िया को, मुर्गी को या फिर बिल्ली को। तो हमने पढ़ा था कि बाजार किसको जाना था, मुर्गी को जाना था, तो हमने मुर्गी पर सही का निशान लगा दिया है। थर्ड है डैश बाजार चली गई, तो बाजार जिसको जाना था वही तो जाएगी, तो बाजार किसको जाना था, मुर्गी को जाना था, तो बाजार कौन चली गई, मुर्गी चली गई, तो हमने फिर से मुर्गी पर सही का निशान लगा दिया। फोर्थ है बिल्ली डैश को खतरनाक मानती है, तो बिल्ली किसको खतरनाक मानती है, कुत्तों को, तो हमने कुत्ते पर सही का निशान लगा दिया। नेक्स्ट है बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब हमें इसमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट पूछा है मेरे जाने के बाद डैश मत खोलना, तो मुर्गी ने चूज़ों को क्या समझाया था, कि मेरे जाने के बाद दरवाज़ा मत खोलना। तो यहाँ पर क्या आएगा, दरवाज़ा, मेरे जाने के बाद दरवाज़ा मत खोलना। नेक्स्ट है बिल्ली कुत्ते को डैश मानती है, तो बिल्ली कुत्ते को क्या मानती है, हमने पढ़ा था कि बिल्ली कुत्ते को खतरनाक मानती है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, खतरनाक, ठीक है। नेक्स्ट है डैश के जाते ही काली बिल्ली वहाँ आई, तो किसके जाते ही काली बिल्ली वहाँ आई थी, जैसे ही मुर्गी गई थी बाहर वैसे ही काली बिल्ली आ गई थी, तो हम लिखेंगे मुर्गी के जाते ही काली बिल्ली वहाँ आई। नेक्स्ट है मैं तुम्हारी प्यारी डैश हूँ, तो काली बिल्ली ने उन चूज़ों को अपने उसमें लेने के लिए, कि भाई चूज़े दरवाज़ा खोल देंगे, इसलिए काली बिल्ली ने क्या कहा था, कि मैं तुम्हारी प्यारी मौसी हूँ, ठीक है। बिल्ली को ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसा कहूँगी कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तो चूज़े दरवाज़ा खोल देंगे, पर चूज़े तो समझदार थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने अपनी माँ की बात मानी और उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, वो काली बिल्ली के बहकावे में नहीं आए थे, ठीक है। लेकिन काली बिल्ली ने क्या कहा था, कि मैं तुम्हारी प्यारी मौसी हूँ। नेक्स्ट है सही या गलत हमें बताना है। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट देखो, बिल्ली के लिए ऊँट खतरनाक है, तो क्या ये बात सही है, ये बात गलत है, क्योंकि बिल्ली के लिए कौन खतरनाक है, बिल्ली के लिए कुत्ते खतरनाक हैं।
तो ये बात तो इन्होंने गलत बोली है, इन्होंने तो ऊँट कहा है, तो ये गलत है, इसलिए हमने गलत का निशान लगाया। ठीक है, नेक्स्ट है, बिल्ली दिल्ली से लड्डू लाई थी। तो आपको ध्यान होगा पाठ में हमने पढ़ा था कि काली बिल्ली ने चूज़ों को क्या कहा था, काली बिल्ली ने चूज़ों को कहा था कि मैं आज ही दिल्ली से आई हूँ और तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ। तो उसने कहा था ये बात, तो बिल्ली दिल्ली से लड्डू लाई थी, तो हमने कहा सही, जबकि वो लड्डू लाई नहीं थी। ठीक है, वो लड्डू लाई नहीं थी, वो बस सिर्फ बच्चों को, चूज़ों को कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए दिल्ली से लड्डू लाई हूँ। नेक्स्ट है, जिससे खतरा ना हो वह खतरनाक होता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिससे खतरा हो वह खतरनाक होता है, पर यहाँ क्या लिखा है कि जिससे खतरा ना हो। तो जिससे खतरा नहीं होगा तो वो खतरनाक क्यों होगा हमारे लिए, ये तो गलत है। जिससे खतरा हो उसे उससे हमें वह खतरनाक होता है, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जिससे खतरा ना हो वह खतरनाक होता है, तो इन्होंने ये ना गलत लिखा, इसलिए हमने इसको रॉन्ग कर दिया। फोर्थ है, मुर्गी दूध लेने बाज़ार गई थी। तो क्या मुर्गी दूध लेने बाज़ार गई थी, हमने तो पार्ट में पढ़ा था कि मुर्गी क्या लेने गई थी, मुर्गी सब्जी लेने बाहर गई थी, तो इन्होंने दूध बोला है, तो इन्होंने गलत बोला, इसलिए हमने गलत का निशान लगा दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आपसे फर्स्ट प्रश्न क्या पूछा है कि मुर्गी को कहाँ और क्यों जाना था, मुर्गी को कहाँ और क्यों जाना था। तो हमने आंसर क्या दिया कि मुर्गी को सब्जी लेने बाज़ार जाना था। ठीक है, कहाँ जाना था, बाज़ार जाना था, और क्यों जाना था, सब्जी लेने जाना था। तो हमने आंसर दिया मुर्गी को सब्जी लेने बाज़ार जाना था। नेक्स्ट है, मुर्गी के जाते ही वहाँ कौन आया। तो हमने पाठ में पढ़ा है कि मुर्गी के जाते ही वहाँ काली बिल्ली आई। ठीक है, नेक्स्ट है, बिल्ली क्यों भाग गई। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि बिल्ली कुत्ते के आने के डर से भाग गई थी। चूज़ों ने उसको क्या कहा था, चूज़ों ने उसको कहा था कि अभी जल्दी कुत्ता मामा भी आने वाले हैं, तो ये बात सुनकर बिल्ली डर गई और बिल्ली वहाँ से भाग गई। तो हमने आंसर दिया कि बिल्ली कुत्तों के आने के डर से भाग गई। तो यहाँ तक का वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये शब्दार्थ करेंगे, और शब्दार्थ करने के बाद आप लोग यहाँ से अपना काम स्टार्ट करेंगे, ये 1, 2, 3 और 4, यहाँ तक का वर्क आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे, और चैप्टर की रीडिंग करेंगे आप लोग खुद से। ठीक है, मैं PDF सेंड कर रही हूँ, उसमें आपको ये पूरा चैप्टर भी मिल जाएगा। तो चैप्टर की रीडिंग भी करना, और ये पूरा वर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करने के बाद उसको लर्न भी करना। ठीक है, लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से, यानी कि पार्ट 7 से आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे हिंदी की लाइव क्लास के टाइम पर पूछ लेना, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।